Hari. Murli mein aaya Shiv Baba dada hai. Dade, dade. एक होता है दादा बड़ा भाई, एक होता है बाप दादे, दादे माने बाप का भी बाप, बाप का वर्षा मिले न मिले लेकिन दादे का वर्षा जरूर मिलता है। दुकान आदि याद आएगा दादा, जलंधर दुकान आदि याद आएगा। हाँ, जलंधर है जिसने जल को धारण कर लिया उसका नाम पड़ा जलंधर राक्षस। रावण ने सारे शास्त्रों का वेद शास्त्रों का ज्ञान धारण कर लिया था या नहीं कर लिया था? जैसे रावण ने धारण कर लिया वैसे जालंधर का भी ज्ञान है। तपस्या करते हैं तो तपस्या से सारा ज्ञान स्वतः ही धारण हो जाता है, परंतु एक होता है बाप से लेने वाले और एक होते हैं तपस्या से लेने वाले। राक्षसों ने तपस्या से धारण की, उन्हें ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। जो बाप से लेते हैं डायरेक्ट वो है ज्ञानी तू आत्मा। जो तपस्या से लेते हैं तपस्या का भी तो मुरली बोलता है याद में रहो तुम्हारा अवस्था बन जाने से ऑटोमेटिक तुम्हारा सब आंसर मिल जाएगा। तो तपस्या से तो बाद में मिल जाएगा, वो फायदे में रहेंगे, या जिनको पहले से ही मिलता है वो फायदे में रहते हैं। लंबे समय का पुरुषार्थ काम में आवेगा या अंत समय थोड़ा पुरुषार्थ किया वो ही काम में आवेगा? लंबे समय का पुरुषार्थ अंत मते सो गते कर देगा। और दादा के अंत में के अंत में 10 करोड़ आत्मा जो बचे हैं ना जो आते हैं जो होते हैं। हाँ जी, त्रेता के अंत में जो संदेश लेने वाले होते हैं वो ही 10 करोड़ बनते हैं, या पुरुषार्थ करने वाले पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाले 10 करोड़ बन जाते हैं? संदेश लेने वाले संदेश लेने से प्रजा बन जाते हैं, तो 10 करोड़ प्रजा की गिनती बताई या पुरुषार्थ करने वालों की गिनती बताई? प्रजा की गिनती बताई। तो यहाँ भी जो 10 करोड़ गिनती है वो प्रजावर्ग की आत्माओं की गिनती है। 2 करोड़ तो 76 में ही पूरे हो गए थे, 1 करोड़ की संख्या ज्ञानामृत पत्रिका में 77 की बताई गई है। जब दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में मेले की शुरुआत हुई थी तीस साल में जितनी सेवा हुई उतनी सेवा संदेश देने की 3 साल में हो गई। चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर मेलों से, तो मेलों में मैला इकट्ठा होता है या राजवर की आत्मा इकट्ठी हो गई?
मैला इकट्ठा हुआ। और बाबा शरीर नहीं रह गया तो क्या रह गया? आत्मा रह गई। जो बिंदी है वो ही निराकार है, वो ही निराकार अशरीर ही है। शरीर आ आ माने नहीं, शरीर ही माने शरीरधारी। जो शरीरधारी नहीं है तो क्या रह गया? आत्मा रह गई। अशरीरी कहो, निराकारी कहो, बिंदी कहो, बात एक ही है। फरिश्ता उन्हें कहा जाता है जिनका स्थूल देहधारियों से कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि उनका स्थूल शरीर होता ही नहीं है, उनका सूक्ष्म शरीर होता है। और सूक्ष्म शरीर हल्का होता है या भारी होता है? हल्का होता है। इसलिए दिखाते हैं ऊपर में है सूक्ष्म बतन। हल्की चीज ऊपर होगी या नीचे होगी? हल्की चीज ऊपर होगी और भारी होगा तो नीचे आएगा। और जीते जी फरिश्ता स्वरूप बनेंगे ना, जब मनन चिंतन मंथन में ही रहेंगे, और वो भी ईश्वरीय ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में। दुनियावी ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रहेंगे तो देहभानी बन जावेंगे। दुनिया का जो ज्ञान है वो देह का ज्ञान है या आत्मा का ज्ञान है? देह का ज्ञान है, तो देह का ज्ञान लेते लेते देह अभिमानी बनेंगे। आत्मा का ज्ञान लेने लेने से आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी बनेगी। सूक्ष्म शरीरधारी ऊंची स्टेज में उड़ता रहेगा। तो शरीर रहते भी हम सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हैं, मनन चिंतन मंथन की दुनिया में ऊंची स्टेज में रह सकते हैं। कौन को कहा जाता है फरिश्ता? फर्श की दुनिया वालों से उस समय कोई रिश्ता नहीं रहता। और बॉम्बे में जो 8 बम अभी खोले गए थे बेहद थे, तो उसमें जो 7वां बम है उसमें लिखा गया है कि 7 अगर जुटे हैं, जो 7वां पॉइंट है, 7 अगर जुटे हैं तो ब्रह्मा बाबा की बार 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 फोन कराए कि ब्रह्मा जी उत्तर आए तो हम 7 को नहीं छोड़ेंगे। ये बाबा मुरली पॉइंट है या अवैधवाणी का पॉइंट है? अरे मुरली में ही तो बोला है कि ब्रह्मा भी उतरा है तो भी हम नहीं मानेंगे। कौन कहते हैं ये? कहते कौन है कि ब्रह्मा भी उतरा है तो भी नहीं मानेंगे? दुनियावी पंडित गुरु आचार्य सन्यासी, उन्हें शास्त्रों पर इतना भारी विश्वास है कि हमने 2500 वर्ष जो शास्त्रों के आधार पर भक्ति की है वो भक्ति हमारी निष्फल नहीं जा सकती। शास्त्रों में जरूर सार की बातें हैं, जो सार आकर के भगवान हमको बताता है, इसलिए वो पक्के हैं कि शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता है वो गीता शास्त्र जरूर क्लियर होगा। क्योंकि कहावत है, कह समझे कवि और कह समझे रवि। जो गीता आदि शास्त्रों की कविता करने वाले कवि थे वो तो चले गए, उन्होंने सतोप्रधान स्टेज में शास्त्र बनाए थे, परंतु बाद में जो आए वो सतोप्रधान स्टेज वाले थे या गिरती कला वाले थे, तो उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया।
वो कवि तो रहे नहीं जो न शास्त्रों का सही अर्थ करते। अनर्थ करने वाले बहुत आ गए। अंत में ज्ञान सूर्य रवि को ही आना पड़ता है और वो आकर के सब शास्त्रों का सार बताए देते हैं। तो सब शास्त्रों का रहस्य खुल जाता है। नंबर वार यज्ञ के आदि में भी क्या सुनाई जाती थी? गीता ही सुनाते थे, गीता के अर्थ बैठ करते थे जो आदि में सो अंत में क्लियर हो जाएगा। और बेगर क्लास में उन लोगों को समझ मिले की श्रद्धा के अंत में आ जाए। बेगर पुरुषार्थ और बेगर क्लास और सिर्फ समझ मिले श्रद्धा के अंत में आ जाए। रीता के अंत में क्या, सतयुग के आदि में भी प्रजावर्ग वाले आ जाएंगे जो सिर्फ संदेश लेके चले जाते हैं। त्रेता के अंत में भी प्रजावर्ग वाले होंगे और सतयुग के आदि में भी प्रजावर्ग वाले होंगे। और सतयुग के आदि के पहले जन्म से पहले जो संगम युग में स्वर्णिम स्वर्ग होगा उसमें भी प्रजावर्ग वाले होंगे। तो कौन सी प्रजा सबसे जास्ती ज्ञानी होगी? संगम युग वाली जो प्रजा होगी वो सबसे जास्ती ज्ञानी आत्माएं होंगी। सूर्य के बच्चे सारे ही सूर्य समान होंगे, रोशनी ही रोशनी ज्ञान की भरी हुई होगी। बाकी प्योरिटी का सब पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप का वरदान है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्यों कहा? क्योंकि जो परिवार है, परिवार के भांतियों के बीच में रहते हैं हम, तो कुछ न कुछ ज्ञान की भूं भूं करते रहते हैं या नहीं? वो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? तो ज्ञान तो उनमें शुरुआत से ही सुना जा रहा है। विश्वास पक्का तब होता है जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाती है संसार में, तो वो भी ज्ञान में चलने लग पड़ते हैं। उनको भी ये फकुर पैदा होता है कि मेरे परिवार में कोई ऐसा निकला जो भगवान को पहचाना। भले हमने नहीं पहचाना लेकिन मेरे परिवार का खून कोई ऐसा है जिसने ध्रुव मिसल प्रहलाद मिसल भगवान बाप को पहचान लिया। तो वो भी ज्ञान में तीखे हो जाएंगे। संगम युग की प्रजा होगी या सतयुग त्रेता की प्रजा होगी? वो संगम युग की प्रजा होगी। कितने होंगे? कितने होंगे ये अभी तक पता ही नहीं चला। 9 लाख तो वो भूत प्रेत भी है उसमें जो प्रवेश करते हैं। सोलह हजार 108 हैं जो राज परिवार में आते हैं। प्रजा सिर्फ राजा की ही बात मानती है या राजा के परिवार वालों की भी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है? परिवार की भी बात चलती है, यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। भगवान के भगवान ने जो संत हो गए उस संत का नाम पंचजन्य है। पांच जन्य
पंच हैं पांच पांडव, और पांच पांडवों से जो पैदा जन, जन माने जनन, पैदा हुआ, पांच पांडवों का बाप कौन है? है बाप पंडा, जो बाप बनता है उसे कभी बच्चा भी बनना पड़ता है कि नहीं? जो बच्चा सो बाप, बाप सो बच्चा। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो पांडवों का बाप है, उसका मुख ही पांचजन्य है। क्या? जो झाड़ में 10 जड़ें दिखाई गई हैं, जो रावण के 10 मुख दिखाए गए हैं, जो दशरथ के 10 रथ कहे जाते हैं, उनका बेटा का नाम क्या है? राम। तो बेटा पहले पैदा होता है या बाप पहले पैदा होता है? बाप पहले होता है। माने इस ज्ञान यज्ञ में राम वाली आत्मा पहले प्रत्यक्ष होती है, राम बाप पहले प्रत्यक्ष होता है, या उसको बेसिक में पालना देने वाले पहले प्रत्यक्ष होते हैं? पालना देने वाले पहले प्रत्यक्ष होते हैं, वो है 10 रथ, 10 झाड़ की जड़ें, उनमें 5 पांडवीय जड़ें हैं जो भारतवासी हैं, और 5 विदेशी जड़ें हैं जो भारतवासी नहीं हैं, वाम मार्गी हैं, विदेशी हैं। तो बाप का जन्म किनसे होता है, किसके प्रभाव से प्रभावित होते हैं? 5 पांडवों के प्रभाव से ज्यादा प्रभावित होते हैं। राम वाली आत्मा बाद में ज्ञान में आती है, उन 5 पांडव जो नारायण बनने वाली आत्माएं हैं सतयुग में, उनसे पालना पाती है। पालना देने वाले को भी बाप कहा जाता है। तो कहा गया पांचजन्य, शंख का नाम है, शंख में से आवाज की जाती है, तो जब तक उसमें हवा बाहर न निकले तो आवाज आएगी? जब हम बोलते हैं तो हवा बोलने के साथ बाहर जाती है या अंदर जाती है? तो ये पांचजन्य शंख है जिस मुख में बाप प्रवेश करते हैं। पांच ब्रह्म हो गए। हाँ जी बाबा, जो ब्रह्मा भी उतरा है तो हम शास्त्र को नहीं मानेंगे, इसका जो अर्थ है, तो ये जो 8 पॉइंट है इसका 2 अर्थ निकलते हैं, बाहर वालों के लिए समझाने के लिए, एक ब्राह्मण बच्चों के लिए समझाने। हाँ जी, तो ये तो बाबा हम एडवांस पार्टी के लिए लागू हो रहे हैं कि हम तो सही सही मुरली को पकड़ रहे हैं, अगर ब्रह्मा भी आकर के हम लोग उल्टा सीधा बोले तो हम बात को भी नहीं मानेंगे, हम तो मुरली को मानेंगे, ये तो एडवांस पार्टी के लिए बाबा ने बोला। तो ये एडवांस पार्टी के लिए लागू हो रहा है ना बाबा, जो साथी तो बेसिकली तो शास्त्र को नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये बात तो क्लैरिफाई बाबा हो जाती है। मुरली को नजरअंदाज नहीं करते हैं क्या? मुरली को भी करते हैं। तो बाबा ये हम एडवांस पार्टी के लिए बाबा ने ये बोलिए बताया कि तुम ब्रह्मा जी उतरा है तो हम शास्त्र को नहीं छोड़ेंगे, हम मतलब एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी में सब सूर्यवंशी हैं या और धर्मों के बीज भी हैं? तो वो भी हैं। तो हम बाबा सूर्यवंशी के लिए हो जाते हैं?
कि जो हम है हम शास्त्र को नहीं छोड़ेंगे, हम सूर्य वंशी के लिए। हम अभी मुरली को छोड़ रहे हैं क्या? फिर बाद में तो छोड़ने की बात ही नहीं, जब हम अभी ही मुरली को नहीं छोड़ रहे हैं। बाबा ये ब्रह्मा बाबा उस समय हम एडवांस पार्टी को इमर्ज करके ही ये बात बताया कि ये एडवांस पार्टी जो है मुरली का सहारा लेकर के ही सेवा करेंगे या बात को प्रत्यक्ष करेंगे, तो बात ये सही है बाबा? शास्त्रों में गायन कहाँ का है? किसका गायन है? हम ब्राह्मणों का ही तो गायन है, हम ब्राह्मणों में ही तो कोई ऐसे हुए हैं। जो मुरली रूपी शास्त्रों को छोड़ने वाले नहीं है, बाप की वाणी को छोड़ने वाले नहीं है। मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार, छोड़ कैसे देंगे? आत्मा का जो कवर है शरीर, शरीर तो बदली होता है, लेकिन कुछ प्रमाण मिला हुआ है कि जो स्त्री चला स्त्री ही देता है, पुरुष चला पुरुष ही देता है? नहीं, एक बार ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि किसी में स्त्री जन्म के संस्कार ज्यादा हैं, स्त्रीत्व के संस्कार ज्यादा हैं, तो दोबारा स्त्री का जन्म ले सकता है। पुरुषत्व के संस्कार ज्यादा हैं, तो दोबारा पुरुषत्व का पुरुष का जन्म ले सकता है, लेकिन तीसरी बार बदलना ही पड़े। इससे जास्ती जन्म नहीं हो सकते लगातार स्त्री या पुरुष के। हिसाब किताब पूरा करना जरूरी है। पुरुष जास्ती सुख भोगता है स्त्री से, या स्त्री जास्ती सुख भोगती है पुरुष से? ज्यादा त्याग की भावना किसमें होती है? स्त्री में ज्यादा त्याग की भावना होती है। बापों के बीच में एक ही बाप है जो कुछ भी नहीं चाहता, बाकी बाप तो त्यागी नहीं होते हैं और माता तो त्यागी होती है। तो जो सुख भोगा है पुरुष बन करके, वो तो हिसाब किताब चुकतू नहीं करेंगे हैं? करना पड़ेगा। और जोर से बोलो, शंख कम बजाया होगा। जो शंख कम बजाते हैं इसका मतलब ज्ञान का शंख कम बजाएंगे। कब? जब ज्ञान कम सुनेंगे। ईश्वर के ज्ञान को अगर पूरा सुनेंगे तो शंख भी बजाएंगे या नहीं बजाएंगे? बजाएंगे। और मुरली में इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, बस मेरा बाप ऐसा है, मेरा गुरु ऐसा है, मेरा मामा ऐसा है, ये देहभान हुआ या आत्माभिमान हुआ? देहभान हुआ। गोपी और शिव शक्ति के बीच में अंतर क्या है? गोपी और शिव शक्ति के बीच में अंतर क्या? शिव की शक्तियां वो हैं जो शिव से पावर भरती हैं। जिन्होंने शिव से पावर भरी है वो शिव की शक्तियां, पावर ही नहीं भरी तो शिव की शक्तियां कहां से बन जाएंगी?
जगदम्बा ज्यादा पावरफुल है या लक्ष्मी ज्यादा पावरफुल है? क्यों? ज्यादा पावर जगदम्बा ने भरी है मिलन मेला मनाने की, इसलिए जगदम्बा संगम युग में विश्व की मालिकानी बनती है, विश्व के ऊपर कंट्रोल करती है, और लक्ष्मी सुधरों के ऊपर कंट्रोल करती है या सुधरों अनसुधरों दोनों के ऊपर कंट्रोल करती है? सुधरों के ऊपर कंट्रोल करती है सिर्फ। तो शिव शक्ति बात अलग और गोपी माने गुप्त, जिसका संबंध गुप्त है दुनिया वाले नहीं जानते, जिसका पुरुषार्थ गुप्त है गोपी के साथ गोप भी है, उनकी संख्या भी लिमिटेड है। गोप गोपियों की संख्या कितनी है? 16,000। और अभी बाबा ने मुरली ने बताया कि तीन बच्चे को सर संबंध बाप से निभाना है, सर संबंध बाप से निभाना है जी। तो बाबा जो है कोई ब्राह्मण बच्चा है कुमार है और बाप का बोले सबसे ज्यादा बाबा से है, एक दृष्टि से एक दृष्टि के लिए कुमार का जो नीचे गिरना होता है वो होता है वही संबंध। अगर वो मतलब वो खुद सजनी बन जाए सोची, जैसे शंकर वाली आत्मा ने शिव के लिए सजनी बन गया, तो इसके लिए तो जो साकार माध्यम है अभी ब्राह्मण बच्चों के लिए है, तो वो संबंध के लिए वो खुद सजनी बन जाए और बाप ने परम पुरुष वो साधन बन जाए, तो सब संबंध में सजनी का संबंध बाप से तो कटअप हो गया, क्योंकि वो संबंध कुमार का उस संबंध में ना जाए बोल के ये संबंध कटअप किया है सजनी का संबंध, तो सब संबंध तो इसमें साबित नहीं होते, एक सब संबंध में से एक संबंध माइनस वो लगा सजनी का, तो ये लिख सकते है कि नहीं? जिससे प्यार किया जाता है उसके समान बना जाता है या असमानता से प्यार हो जाता है? तो बाप सदैव निराकार है या साकार है? जो निराकार है तो जो प्यार करने वाला है उसको भी क्या बनना पड़े, कहां गलती हो गई? हो गलती कहां हो गई? गलती हो गई ना, कान पकड़ो। और ये तो अनेक जन्मों के संबंध की बात है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम तो एक शिव बाबा है, तो जब सदा कायम है तो उसके साथ साजन या सजनी का संबंध सदा के जन्मों में जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा सकता है? जोड़ा जा सकता है, ये छोटी बच्ची भी समझती है। तो यहाँ के एक जन्म की बात है या अनेक जन्मों की बात है? अनेक जन्मों की बात, लेकिन वो तब होगी जब अनेक जन्मों का कनेक्शन आत्म की स्थिति से जुड़ा होगा। अगर देवान में रहे तो देवान की प्राप्ति एक जन्म के लिए है या अनेक जन्मों के लिए है? एक जन्म के लिए प्राप्ति, और वो भी यहाँ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप बनकर के आता है या वास्तव में माँ बनकर के आता है? दुनिया में भगवान का पुरुष रूप गाया जाता है या स्त्री चोला गाया जाता है? पुरुष रूप गाया जाता
और वही बात तो मैंने बोला कि बाबा तो पुरुष ही है हा? तो हम कोई भाई है वो तो अपने को अगर सजनी समझे मतलब वो तो सबसे प्रिय दोपो दिया है बाबा के आगे तो वो अगर अपने को स्त्री समझे और बाबा ही पुरुष है तो सब संबंध की लिस्ट में जो सजनी का संबंध कट ऑफ हम लोग कर दिया बाबा के थ्रू क्योंकि बाबा ही हमारा तो साधन बना है इसलिए क्योंकि अगर आप ये गलत सच है कि बाबा के चरण में सजनी बने तो बाबा को झुकना पड़ेगा पुरुष के सामने तो बाबा को झुकना पड़ेगा नहीं नहीं स्त्री पुरुष के आगे जो स्त्री होता है जो झुक जाता है ना तो जो बाबा को प्यार करता है वो कैसे चाहेगा कि बाप उसे कोई भी जन्म में बाबा उसके आगे झुक जाए वो तो चाहेगा ही नहीं इसे तो इसीलिए वो जो सर्व संबंध में थे विशेषकर कुमार बता दिया कि अनेक संबंध जब है अनेक जन्मों के तो अनेक जन्मों का कनेक्शन आत्मा से है या देह से है आत्मा से कनेक्शन हो जब आत्मा का ही अनेक जन्मों से कनेक्शन है तो हमें अनेक जन्मों की प्राप्ति करने की बात है या एक जन्म की प्राप्ति करने की बात है अनेक जन्मों की प्राप्ति करने की बात है और जब अनेक जन्मों की प्राप्ति करने की बात होती है तो हमको भी क्या बनना पड़े आत्मा बनना पड़े बिंदु बनना पड़े अगर देवान आता है तो बाप से कनेक्शन जुट ही नहीं सकता कोई भी संबंध नहीं जुड़ेगा आत्मा एक जन्म में स्त्री बनती है एक जन्म में पुरुष बनती है जो ब्रह्मा से पहले जटन के पहले साक्षात्कार हुआ तो उसी टाइम शिवबाबा थे क्या तो साक्षात्कार का जो चाबी बाबा ने बोले मैं साक्षात्कार का चाबी किसके हाथ में नहीं देता हूँ मेरी मेरे हाथ में रखता हूँ तो उसी टाइम तो शिवबाबा ही नहीं थे जटन के आदि साक्षात्कार जो ब्रह्मा बाबा हुआ चलो ब्रह्मा बाबा की बात छोड़ दो भक्ति मार्ग में सूरदास को तुलसीदास को रैदास को मीरा को साक्षात्कार हुए तो शिव बाबा ने साक्षात्कार कराए या ड्रामा प्लान अनुसार स्वतः ही उनके पुरुषार्थ के अनुसार साक्षात्कार की नूद हुई पड़ी थी ऐसे ही ब्रह्मा के लिए बोलते हैं वो मनुष्य बोलते हैं या शिव बाबा बोलते हैं मनुष्य बोलते हैं ज्ञान क्या कहता है परम धाम में बैठ करके कराता है या यहाँ संगम युग की बात है संगम युग में सारा कार्य व्यवहार नूद होता है हर आत्मा को सूरदास वाली आत्मा को अगर साक्षात्कार होना होगा भक्ति मार्ग में तो उसकी शूटिंग कहाँ होती है संगम युग में शूटिंग होती है मीरा वाली आत्मा को अगर साक्षात्कार होना होगा तो उसकी शूटिंग कहाँ होती है यहाँ संगम युग में होती है यहाँ शूट होता है और वहाँ प्रैक्टिकल ड्रामा में नूद हो जाता है बाकी ऐसे नहीं है कि शिव बाबा कोई परम धाम में बैठ करके संकल्प करता है वहाँ संकल्प विकल्प होता है क्या नहीं सदाकांड है ना है सदाकांड है ना जो सदा कायम है वो आदि में कायम नहीं है आदि में भी है क्या बोलते वो बाबा ही साक्षात्कार करा हमारा गीता का एक क्लास में गीता का वो भावना है या वास्तविक है भावना भावना की बात होगी जो अष्टदैव होते हैं वो तो जन्म जन्मांतर पुरुष को लेते आत्मा है और राजा बनने वाले आत्मा है वो भी पूर्वज है वो जो बोला गया है बाबा ने जो विजय माला में चार आकर की एड होंगे रुद्र माला में तो अष्टदैव साबित होंगे वो कैसे बाबा वो तो जो रुद्र माला विजय माला में वो तो जन्म जन्मांतर रानी कॉलेज की आत्मा है रानी कॉलेज की आत्माएं है वो पूर्वज भी नहीं है वो पूर्वज नहीं है ना तो राजा रानी वाली बात कहाँ बताई नहीं जो अष्टदेव है वो तो पुरुष है ना हाँ पुरुष है और राजा बनने वाले आत्माएं है हाँ और विजय माया में है तो जो रानी बनने वाली आत्मा है हाँ वो कैसे अष्टदेव में आएंगे अच्छा राम कौन बनेगा त्रेता में
विजय माला वाली आत्मा राम बनेगी या रुद्रमाला वाला राम बनेगा? तो प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? पुरुष जो कुछ कमाई करता है उसका आधा हिस्सा स्त्री को देना पड़ता है, क्योंकि स्त्री में जो प्योरिटी की पावर थी वो प्योरिटी की पावर लेकर के उसने घर गृहस्थी चलाई है, प्योरिटी से यूनिटी बनाई है। इसलिए सारे जीवन की कमाई का आधा हिस्सा अर्धांगिनी को देना पड़े। तो राम वाली आत्मा भी याद में रह करके जो भी कमाई करती है वो कमाई का आधा हिस्सा देना पड़े या नहीं देना पड़े? है देना पड़े। तो आधा हिस्सा जब मिल जाता है तो संगम युग में वो विश्व का बादशाह बन जाता है और त्रेता में जाकर सीता वाली आत्मा राजा महाराजा जो कुछ भी कहो बन जाती है। तो अष्टदेव जो है पहले पहले जो अष्टदेव हैं वास्तव में वो सिंगल के रूप में अगर कहे जाएं तो चार विजयमाला से माने चंद्रवंश से और चार सूर्यवंश से हैं। अगर अष्टदेवों को विजयमाला में ऐड करके कहें तो विजयमाला युगलों की माला है, सिंगल की माला है। तो अष्टदेव युगल हो गए या सिंगल हैं? युगल हो गए। तो फिर जो चार रह गए रुद्रमाला में वो भी ऐड हो जाएंगे विजयमाला में। इस तरह 16 आत्माएं हो जाएंगी, 8 युगल मण के हो जाएंगे। हिरण्य की राक्षस जो है हिरण्याक्ष जो सबको पाताल में ले जाता, सबको नहीं ले जाता है, काशी वासियों को नहीं ले जाता है, काशी नगरी नहीं जाती है, काशी नगरी जो है वो छिटक जाती है, छिटक जाती है। हाँ। और भगवान स्वर अवतार लेकर के वो पृथ्वी को उद्धार करता है। हाँ जी। उसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो काशी नगरी वाले हैं उनकी पवित्रता खंडित नहीं होती पूरी, वो इस सृष्टि पर रह करके ही नई सृष्टि रचना रचते हैं, बाकी सब गड्ढे में चले जाते हैं, माने उनकी पवित्रता खंडित हो जाती है। पवित्रता खंडित होने का मतलब है कोई राम में कोई कृष्ण में किसी में फंस जाते हैं, सिर्फ काशी ही है जो शिव है जिसका बुद्धि फिटता है। आत्मिक स्थिति में टिकने वाले टोटल कितने होंगे विनाश संपन्न होने तक? साढ़े चार लाख होंगे जो जीते जी आत्मिक स्थिति में टिकेंगे। आपसे बोला है काशी में बात करना है, काशी में बात करना, और बोला कि बाप ही तुम्हारा बरसा है, बाप ही बाप को ही याद कर और काशी में निराश कर, इसमें अंतर क्या है? शिव के साथ काशी नहीं है क्या? काशी के बगैर शिव है क्या? काश्य माने तेज, जहाँ शिव है वहाँ याद का तेज नहीं है क्या? फिर क्या बात, अलग करने की बात ही नहीं। अच्छा, सुदामा जो श्री कृष्ण को देकर भेटी किया था, जो चावल मुट्ठी दिया था, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सु माने सुंदर, दाम माने धन संपत्ति,
जिसके पास सुंदर सुंदर धन संपत्ति है, भगवान की दुवी ज्ञान की संपत्ति है, उसका नाम पड़ गया सुदामा। जो खुद ज्ञानी होगा वो ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। जो विशेष प्रिय आत्मा है भगवान उसको अपने से भी आगे बढ़ाएगा या पीछे रखेगा, अपने से भी आगे बढ़ाता है। तो माला जो संगठन की यादगार है, वो संगठन की यादगार दो मालाएं हैं, एक है रुद्रमाला और एक है विजय माला। दोनों प्रकार की आत्माओं का संगठन रूपी चावल रूपी आत्माएं भगवान को अर्पण करने की निमित्त सुदामा वाली आत्मा बनती है। इसलिए दो मुट्ठी चावल प्रसिद्ध है कि भगवान को दो मुट्ठी चावल दिए। ये ज्ञानी तू आत्माओं का काम है। रुद्रमाला बनती है तब ही विजयमाला का आवाहन होकर के आप विजयमाला प्रत्यक्ष होती है। रुद्रमाला अगर पहले नहीं बनेगी तो विजयमाला भी मैदान में नहीं आ सकती। बाबा है? तुम पांडव में अज्ञातवास किए थे तो शनि वृक्ष में अस्त्र शस्त्र रख के जाते हैं। शनि वृक्ष में अस्त्र शस्त्र रख के जाते हैं, इसका अर्थ क्या? उसका अस्त्र शस्त्र तब रखे थे जब पांडव 13वें वर्ष में अज्ञातवास में गए थे। जब अज्ञातवास में गए थे तो वहाँ शंख बजाएंगे क्या? शंख बजाएंगे तो पता नहीं चल जाएगा कहाँ पर है, है? 13 साल गए हुए हैं, 98 के बाद व्यक्तवाणी में बाबा ने बोला दुनिया वालों के सामने बाप दादा गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने बाप दादा प्रत्यक्ष हो गए। पहला पांडव है कौन? बाप दादा ही तो पहला पांडव है जिसमें पांडा बाप प्रवेश करता है। तो 98 के बाद 99 से गिनो 12 साल कब पूरे हुए? 2011 में पूरे हो गए और 13वां साल शुरू हो गया। कौरवों ने चैलेंज दिया कि कोई भी हालत में हम 13वें साल पांडवों को प्रत्यक्ष करके मानेंगे, देखे कैसे गुप्त रहते हैं। रोशनी आ गई प्रत्यक्ष होने के लिए। बाबा ये अज्ञातवास अभी शुरू हो गया? अरे अब पूछने की बात रह गई क्या? पांडवों का बीज पंडा कोई तो होगा रखने की बात, तो पहले बाप के लिए बात लागू होगी या बच्चों के लिए लागू होगी? पहले बाप के लिए लागू होती है फिर बच्चों के लिए लागू होती है। और आत्मिक स्टेज में रह के जो संकल्प करते हैं बाप के साथ वो साकार हुआ विराजमान। तो अभी जोगिनी बहन के साथ भी ऐसे बाबा का जो संकल्प चल रहा है, क्या संकल्प चल रहा है? माता पिता का भी जैसे बता रहे हैं, क्या संकल्प चल रहा है माता पिता का? योगेश्वर और जोगिनी जैसे कहते हैं। योगेश्वर और जोगिनी कहते हैं क्यों? बाप और बेटी जोगिनी नहीं हो सकती है? बाप योगियों का योगेश्वर
और वो बेटी योगिनी नहीं हो सकती है। ये तो ड्रामा है, ड्रामा में ड्रामाबाजी। बाप बेटी मिलकर के कर सकते हैं ड्रामाबाजी या नहीं कर सकते हैं? जब ड्रामाबाजी करते हैं तो बेटी पत्नी बन जाती है और बाप पति बन जाता है। बाकी है क्या इच्छा तो होती है ना, जैसे इच्छा तुम्हारी होती होगी। रुद्रमाला के मंडपों की सबकी एक जैसी स्थिति होती है क्या? रुद्रमाला के जो मणके हैं वो सब एक स्टेज वाले हैं या अलग अलग धर्म वाले हैं? अलग अलग धर्म वाले हैं, जैसी जिसकी भावना। ये जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब है। काशी नगरी प्यारी नगरी जरूर है, किसकी प्यारी नगरी है? शंकर की प्यारी नगरी है। रचना किसकी है? तो रचना है तो बच्ची हुई या पत्नी हुई? बच्ची हुई। बाकी नाटकबाजी में ये नाटकबाजी आ जाती है। इसके शास्त्रों में अत्री और अनुसुईया नाम दे दिया है। और मुरली में आया, मुझे बुलाते ही है पावन दुनिया की स्थापना और बसु दुनिया का विनाश करने आओ आओ, इसलिए महाकाल भी कहते हैं। हाँ? महाकाल का भी मंदिर होता है। हाँ? काल के मंदिर तो देखते हो ना, वो तो रोज काल होता है। शिव को काल कहेंगे। हाँ? फिर महाकाल को जब दोनों मिल जाए, शिव और जिसमें प्रवेश कर दे वो शिव। हाँ? और तो पांडव बच्चे से तो मैं हम बाप दादा कहते हैं तो अलग बात, और जब शिव बाप कहते हैं तो अलग बात, और शिव बाबा कहते हैं तो अलग बात। ये तीनों शब्दों का अर्थ एक ही नहीं है। और एक तो मतलब बाप दादा भी तो होता है। बाप दादा माने दो कंबाइंड, किसका ज्यादा है? मैंने गुप्त होने का किसका बारे में? वो बाबा एक अलग है, शिव बाप अलग है, बाप दादा अलग है। अरे शिव बाप तो हमेशा ही गुप्त है या कभी प्रत्यक्ष भी है? वो तो हमेशा ही गुप्त है। बाकी बाप है राम बाप और दादा है कृष्ण, उन दोनों के गुप्त होने की बात है। तो बच्चों से मिलन मेला मनाएंगे ना अगले समय? वो भी नहीं, अभी नहीं मेला मनाते हैं क्या? तो गे क्यों? इसका मतलब अभी नहीं मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। तब तो गे की बात आई, कंफर्म पकड़ा गया। हाँ, टेम फटता है तो है? डैम फटता है तो? हाँ, तो बाढ़ आ जाता है। तो अभी जो नेचुरल जल के विरुद्ध जो डैम बना है, हाँ, तो वो मर जाएंगे सुकर या क्या होगा उसका? रोशनी रोशनी हो जाएगी। डैम फटेगा तो चारों ओर जल ही जल हो जाएगा या सूखा पड़ जाएगा? जल ही जल हो जाएगा। ज्ञान जल की बात है। अभी ओडिशा में ज्यादा बारिश होता है, ओडिशा में बारिश हो करके बारिश वाला जल अलग, बारिश की बाढ़ आती है वो अलग बात। और
डैम के अंदर भी जो पानी आया है वो बारिश का ही पानी आया है या कोई दूसरा पानी है? बारिश का ही पानी तो भरा पड़ा है। अभी जो ओडिशा में कैसे होगा, ये तो वही बात हो गई जैसे बेसिक में दीदी दादियाँ कोई है पुरानी वो पूछती रहती हैं बिंदी को कैसे याद करे। अरे बिंदी बुद्धि में है और कुछ नहीं याद है, सिर्फ बिंदी ही याद है। तो निराकारी हो गए कि नहीं, तो कैसे का क्या सवाल? निरंतर बिंदी की याद रहे माने निराकारी स्टेज है। अब कोई कम टिकता है कोई ज्यादा टिकता है। भक्ति मार्ग में उन्होंने प्राणायाम करना शुरू कर दिया, सांस रोक के बैठ जाते हैं, उसमें भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई 10 सेकंड सांस रोकता है, कोई 10 मिनट तक भी सांस रोक लेते हैं, कोई सांस रोक करके 3-3 दिन बैठ जाते हैं, शरीर भी छोड़ देते हैं सांस रोक करके। तो ऐसे ये भी है, हमारा बेहद का सांस रोकना है, श्वास प्रश्वास चलना मना हवा चलना, ये हवा बयार माया का रूप है। जहाँ हवा बयार नहीं चलती है वहाँ दीपक खड़ा रहेगा या हिलेगा? दीपक की लौ खड़ी रहेगी। तो ये हवा बयार से परे की स्टेज में चले जाना, आत्मा ही आत्मा याद रहे, दीपक जलता रहे, मना सांस रोक दी, प्राणायाम साध लिया, यह है भेद का प्राणायाम और उनका है हद का प्राणायाम। अंधा पैदा हुआ तब जब माँ ने आंखें बंद कर ली, जब वो आंखें तो खोले बैठी रही लेकिन थोड़ी डर गई, चेहरा पीला पड़ गया मारे डर के। तो पांडव पैदा हुआ, विदुर तो ज्ञानी था, विद माना ही जानना, विद से बनता है वेद, वेद विद्वान, तो कहां विदुर और कहां धृतराष्ट्र अंधे, एकदम अपोजिट हो गए। टाइम हो गया, ओम शांति।